तो हमारे पास है नॉर्मल सी वीडियो जिसके अंदर कोई स्लो मोशन भी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है, मतलब शेक भी कर रहा है कैमरा, और ये वीडियो भी हमने सिंपल से Redmi Note 8 फोन से ही शूट करी गई है। लेकिन लेकिन मजे की बात यह है कि इसको हम बनाने वाले हैं स्मूथ स्लो मोशन वाली वीडियो में। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। गाइस कैमरा के अंदर नॉर्मल वीडियो मोड के अंदर ही मैंने चूज करा था 1080p और 60fps। तो यहाँ पर गाइस जब हमने वीडियो को शूट करना है ना, तो हमने वहां पर भी कोशिश करनी है कि कम से कम शेक आए, जो हमारी वीडियो को शूट कर रहे हैं वो अपनी तरफ से कोशिश करें कि कम से कम फोन को हिलाया जाए। तो हमने वीडियो को शूट कर लिया अपनी तरफ से कोशिश करके भी शेक कम से कम आए, लेकिन ये आपको भी पता है अपनी तरफ से जितनी मर्जी कोशिश कर लें शेक तो थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि हम हाथ से शूट कर रहे हैं बिना किसी गिम्बल के। लेकिन अब इसी वीडियो को ना बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाना जिसमें बहुत ही स्मूथ स्लो मोशन हो। तो गाइस बहुत ही आसान से दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आप देखिए वीडियो में स्टेबिलिटी नहीं है, कैमरा जो हिल रहा है, शेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा, वो चीज़ हम दूर करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, गूगल की तरफ से एक फोटोज ऐप होती है, तो फोटोज के अंदर जाएंगे, ये वीडियो को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर छोटा सा स्टेबलाइज का आइकन बना लेगा जी वाला, जिसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है एंड वीडियो की स्टेबलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड सपोज अगर आपके यहाँ पर ये स्टेबलाइज का आइकन अभी नहीं दिखा रहे हैं, लोडिंग ही कर रहे हैं, तो शायद आपके फोन के इंटरनेट बंद होने की वजह से भी हो सकता है। तो इंटरनेट ऑन कर लें फिर ट्राई करें। एंड वीडियो ऑफ हमारी हो चुकी है स्टेबलाइज, इसके बाद हम क्लिक करेंगे ये सेव कॉपी नीचे जो लिखा रहा है। हमारी गैलरी के अंदर एक फोल्डर नेम बन जाएगा फोटो एडिटर के नाम से, या और भी कुछ नाम अलग हो सकता है, एंड इसके अंदर ही हमारी वीडियो होगी। अब बारी आती है इसको स्लो मोशन में करने की, तो उसके लिए ये वीडियो को शेयर पे क्लिक करके VN ऐप के अंदर लेकर चलेंगे एंड यहाँ पर स्पीड पर जाकर यहाँ से हम रेगुलर पर जाकर 1/4 कर देंगे। आप चाहो तो कर्व्स के अंदर जाकर यहाँ से आप ये गोले गोले होते हैं इनको आप शुरू वाले को ऊपर करके लास्ट वाले को थोड़ा सा ऊपर करके मतलब ऐसे कुछ स्पीड रैंपिंग क्रिएट कर सकते हो कि पहले फास्ट हो फिर स्लो, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी मर्जी है। पर जो मेन चीज़ हमने यहाँ पर करी थी वो थी नॉर्मल वीडियो को स्मूथ स्लो मोशन वीडियो में कन्वर्ट करना, वो चीज़ हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से कर दी। अगर वीडियो के ऊपर चाहें तो आप कलेक्ट एक्शन या और कोई इफेक्ट्स आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि वीडियो को स्मूथ स्लो मोशन में कन्वर्ट करना, तो वो चीज़ हमारी हो चुकी है। तो वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे। ये स्टेबलाइज वाली चीज़ मुझे लगता है मैंने ना एक काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी स्टेबलाइज की थी, उसमें भी एक चीज़ तो उसमें मुझे लगता है शायद किसी का कमेंट आया था कि पता नहीं मैंने कहीं पर देखा था, तो ये गूगल फोटोज़ वाली चीज़ वहाँ से मुझे पता लगी थी, बहुत ही सही चीज़ है, आप भी ट्राई करना। बाकी गाइस अगर आपको इस वीडियो में से कुछ अच्छा नहीं देखने को सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।